कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया है कि उनमें हिम्मत और साहस है तो वह बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव कर लें, उन्हें सब पता चल जाएगा। दिग्विजय सिंह ने यह बात शिवपुरी में पत्रकारों से चर्चा में कही। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव को लेकर गुना संसदीय सीट के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए शिवपुरी आए हुए थे। इस दौरान शिवपुरी के एक होटल में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई। इस बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश में ही नहीं विश्व के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग ऐसे स्थान पर गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं होती हैं और मैनिपुलेशन करके ईवीएम में गड़बड़ी कर दी जाती है। जब दिग्विजय सिंह से पत्रकारों ने पूछा कि जब आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं तो इसको लेकर लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा हम लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप मीडिया में चल रही थी और तो वास्तविकता तो बिल्कुल नहीं हटे। सज्जन सिंह वर्मा जी ने सब सामने बोला था सामने, तो इस बारे में कमलनाथ जी की बात आप कर रहे हैं ना? जी जी, उन्होंने तो नहीं हटाया, उनका ट्विटर हैंडल ही नहीं। अगर जनमत के माध्यम से अगर इनमें साहस है, नरेंद्र मोदी जी में अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, फिर देखते हैं कितने आते हैं। स्थल पर लगे बैनर पर भी जबरदस्ती कमलनाथ जी का फोटो चिपकाया गया। मैं तो कभी बैनर की लड़ाई भी नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि मेरा चित्र आप किसी मत लगाओ, लेकिन इस पर तो जबरदस्ती चिपकाया गया है। ऐसा नहीं है, एक बात सुन दो, मैं पूरे तरीके से इस बैनरबाजी के खिलाफ हूँ और मैं जब भी जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरा बैनर मत, मैं पांच चीज़ों से कहता हूँ, मेरी पांच चीज़ों से नफरत है। एक तो दिग्गी राजा जिंदाबाद से मैं नफरत करता हूँ, दूसरा मेरा चित्र जो है आप पोस्टर और बैनर पर लगाते हो, मुझे एतराज है, ये प्रॉपर्टी राइट्स मेरा है, आप लोगों का नहीं है। तीसरा बैंड बाजे ढोल धमाका से मेरा स्वागत नहीं होना चाहिए। चौथा आप ये ज़्यादा फूल माला वगैरह बड़ी बड़ी मालाओं से मुझे स्वागत पसंद नहीं है। और आखिरी में फटाके वटाके फोड़ना ये सब ठीक बात। शिवपुरी से EMS TV के रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।